बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, तो भाई कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ जी। तो भाई आप सबको वेलकम हो गया न्यू व्लॉग में। तो जी आज का प्लान है जी गंगा चोंटी सर करने का, यानी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने का और गंगा चोंटी जाना है आज। तो बाकी अभी सबसे पहले जी हमने नाश्ता करना है, उसके बाद गाड़ी निकालेंगे और निकल पड़ेंगे जी अपने डेस्टिनेशन पर। तो फिर पहले चलते हैं और नाश्ता करते हैं जी। आए आप भी हमारे साथ नाश्ता कीजिए जी। नाश्ता आ गया है, थोड़े से चने डाले मैंने साथ में, गर्म गर्म रोटी। अभी खाते हैं नाश्ता और मजा आएगा। A few moments later. ये जी निकल चुके हैं जी गंगा चोंटी के लिए। रास्ते में दो तीन पॉइंट आएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी खूबसूरत रास्ता देखें और चलते हैं जी गंगा चोंटी पर। ये जी स्टॉप लिया एक रास्ते में, पॉइंट है अपना माशाल्लाह बहुत प्यारा। नीचे की तरफ जा रहा हूँ, आपको वहां से दिखाता हूँ इंडिया पाकिस्तान के पहाड़ियाँ जो आपस में मिली हुई हैं। ये आप नीचे की तरफ देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये भी आपको वहां पहुंच के दिखाता हूँ। ये देखें जी बटरफ्लाई, माशाल्लाह। अभी नीचे चलते हैं। ओए होए होए, फुल जबरदस्त माहौल है। एक दिल कर सकता है यहाँ से ऊपर ना चढ़ जाऊँ मैं। दो मिनट ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ अभी ऊपर चढ़ के। ये जी आ गया हूँ मैं ऊपर की तरफ। ये आप यहाँ से देखें व्यू, ये आपको दिखाऊँ इंडिया का जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये सामने। कैमरे में सही कैप्चर नहीं हो रहा धुंध की वजह से। ये वाला नहीं, इससे पीछे है वो नज़र आ रहा है, वो उधर वो है अपना। अभी नज़दीक जाएंगे वहाँ से भी आपको दिखाऊंगा। बाकी आप ये देख लें माशाल्लाह, ये खूबसूरती आप देखें। अल्लाह ताला की शान है माशाल्लाह, मुझे सांस फूल गई है। अच्छा ये नीचे घर भी बना हुआ है एक। चलो अभी वापस चलते हैं। 12 seconds later. ये जी देखें आप सबसे ऊपर वाली चोटी पे आ चुके हैं इस टाइम में। ये आप नीचे की तरफ देखें और ये इस तरफ देखें आप, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये इस तरफ देखें, आवाज़ चारों तरफ से गूंज रही है। सब्सक्राइब करो। देखें माशाल्लाह। चलो अभी वापस चलते हैं। 20 minutes later. ये जी पहुंच गए गंगा चोटी। ओए भाई बहुत सांस फूल गया, बहुत ऊंचाई है। लेकिन एक काम खराब है, ये देखिए ये पता नहीं किसके हैं सारी स्लाइड और झूले वगैरह इन्होंने छुपा लिए हैं अपने पास। मुझे डर लग रहा है इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जाता। बाकी आप ये व्यू देख लें। ये है जी गंगा चोंटी, अभी नीचे चलते हैं और नीचे से भी आपको दिखाता हूँ ऊपर की तरफ। लेकिन ऊंचाई बहुत है, यहाँ से जो बाहर का नज़ारा है ना बहुत खूबसूरत। ये जी आप ज़रा दूसरी तरफ आ गए हूँ, इधर से आपको व्यू दिखाता हूँ। ये है जी नीचे की तरफ और ये जिन पहाड़ियों से हम होके आए हैं ये रोड है। ओ नीचे रिक्शा भी खड़ा है, एक पता नहीं वो किस तरह आया होगा ऊपर, समझ से भाई वो सामने नज़र आ रहा है वो आखिरी पॉइंट है। वहाँ हम खुद नहीं गए क्योंकि वापसी ज़रा जल्दी जाना है। वैसे यहाँ से अगर पिक्स देखे जाएँ तो बहुत प्यारी आएंगी। चलो अभी पिक्स वगैरह लेते हैं और फिर वापस चलते नीचे, देख लें अभी एक दफ़ा खूबसूरती। ये खूबसूरती है जी माशाल्लाह। ठीक है जी मैं नीचे चलता हूँ।
ये जी वापस गाड़ी के पास आ गए हैं और अभी बैठते हैं और चलते हैं जी वापस नीचे की तरफ। ये यहाँ से व्यू है जी, बस अभी चलते हैं नीचे। थोड़ी देर के लिए रुके हैं और यहाँ गाड़ी खड़ी अपनी, ये सामने व्यू है, इस तरफ से आए हैं जी हम, वो सामने पहाड़ जो नजर आ रहे ना, उन पहाड़ों से उतर गए हम। बाकी अब आगे जा रहे हैं जी इसी रोड से, ये पेट्रोल पंप पे आए थे तो अभी चलते हैं वापस। चनारी बाजार से गुजर रहे हैं इस टाइम और आबशार की तरफ जा रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं जी खूबसूरत आबशार, माशाल्लाह खूबसूरत जगह है। लोकल ज्यादा, टूरिस्ट कम है यहाँ। ये जी पहुंच गए आबशार के पास और जी फुल चिल्ड वाला पानी, ठंडा, ऐसा लगता है जी बर्फ वाले पानी में हो, फुल जबरदस्त आबशार है माशाल्लाह। ये नीचे की तरफ पानी जा रहा है, अभी जरा देखें आप ऊपर की तरफ से जैसे आ रहा है पानी, देखें फुल ठंडा माहौल है जी। अभी यहाँ से फारिग होके फिर इंशाल्लाह चलते हैं पीछे वापस, पीछे भी एक आबशार है वो भी आपको दिखाएंगे। ये अबू जी और जुरान नहा रहे हैं, ये भाई इतना मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा जब शावर लगता है ना, ओए होए मज़ा आ जाता है। चलो अभी फिर निकलते हैं जी यहाँ से जल्दी से, यहाँ से जी वहाँ से वापस आ रहे थे तो भूख लग रही थी तो हम यहाँ रुके हैं कराची बिरयानी वाली शॉप पर, तो अभी अंदर चलते हैं और बिरयानी खा के आते हैं। गर्मा गर्म बिरयानी आ गई है तो अभी टेस्ट करके आपको बताता हूँ कैसी है बिरयानी, माशाल्लाह लग रही तो बहुत अच्छी है, तो अभी पता लगेगा टेस्ट करके आपको फिर बताते हैं। कराची बिरयानी, हाँ जी सही है, चलो माशाल्लाह जी। तो भाई एक ब्रेक लिए अभी, ये जी ब्रिज बनी हुई है लोकल्स के लिए एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए। बाकी जी ये देखें आप, रिवर नीचे चल रहा है माशाल्लाह फुल टाइम फुल स्पीड, दो मिनट जरा तुम ये आप व्यू चेक करें माशाल्लाह। चलो अभी पिक्स बना लूँ फिर आपको मिलता हूँ किसी अगले पॉइंट पर। ये जी पहुँच चुके हैं जी हम मुजफ्फराबाद और इधर जी गाड़ी पार्किंग मिल गई है और साथ ये होटल है जी अपना, अभी आपको होटल के अंदर ले जाता हूँ और वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। बैक साइड भी बहुत ज़बरदस्त व्यू है तो पहले बैग उतरवा के रख देते हैं फिर उसके बाद। भाई सामान वगैरह तो मैंने रख लिया, मैंने कहा अब आपको व्यू चेक कराएं। ये जी अपने होटल के बाहर व्यू है माशाल्लाह खूबसूरत, सामने पहाड़ और नीचे ये मेरे ख्याल में डाइनिंग एरिया है इनका और रूम्स नीचे है, तो अभी आपको नीचे लेके जाऊंगा दिखाऊंगा रूम्स, दो सेकंड जरा नीचे पहुंचते फिर आपको दिखाते हैं। ये जी यहाँ से उतर के और ये इस तरफ भी रूम्स हैं और इस तरफ भी, बाकी ये नीचे की तरफ भी रूम्स हैं, ये हमने पहले तीन ले लिए हैं रूम, बाकी आपको वो दिखाता हूँ बालकनी से व्यू बाहर का।
ये देखें आप माशाल्लाह, ये व्यू, ये जबरदस्त। One hour later. निकल आए जी होटल से बाहर, जरा जी मुजफ्फराबाद को एक्सप्लोर करके आते हैं जी, फिर इंशाल्लाह रात को एक ही दफ़ा रेस्ट करेंगे। अभी ज़रा चलते हैं और खूबसूरत खूबसूरत जगह देखते हैं मुजफ्फराबाद की। होटल बहुत खूबसूरत जगह मिल गया हमें माशाल्लाह। चलो अभी गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं जी। ये जी पहुंच गए पार्क के पास, अभी सबसे पहले अंदर इंटर होते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ जी। बच्चे अंदर इंटर हो चुके हैं। ये जी जिब्रान ने आते ही झूला संभाल लिया, ये चेक करें आप। चलो अभी ये एंजॉय कर ले फिर ज़रा आगे चलते हैं। जाने के लिए ट्रैक बना हुआ है जहाँ दूसरे झूले वगैरह हैं, भी आपको दिखाते हैं जी। रश है बड़ा, ये देखें जी सारे झूले हैं माशाल्लाह। अभी यहाँ पर भी आएंगे बच्चे और झूले झूलेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जाएंगे। ये बच्चे जिद कर रहे थे पेंटिंग की, तो सबसे पहले शाम की पेंटिंग बनवा रहे हैं डोरीमोन। अभी देखते हैं भाई कैसे बनाते हैं डोरीमोन। 50 रुपीज़ हैं टू साइड। फिर जिब्रान की बारी, फिर मोटू की बारी आएगी। चलो अभी बन जाएगा, फिर आपको दिखाता हूँ इन तीनों का टैटू। लेकिन ये रिमूवेबल है, वैसे बने नहीं भाई से पहले। जी तो भाई बन गए, हशाम ने बनवाया डोरीमोन, जिब्रान ने स्पाइडरमैन और अब्दुल अजीज ने टाइगर बनवाया है। इनका नाम क्यों भी बनाया? हाँ जी ये इधर दिखाएं, ये जी हशाम, जिब्रान और ये अब्दुल अजीज। ये जी वापस गाड़ी की तरफ आ गए हैं, तो अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और वापस चलते हैं। क्या पता रास्ते में किसी जगह से खाना भी खाएं अच्छे होटल से, तो वो भी आपको दिखा दूंगा बीच में ही। ये जी वापस ही अपने होटल में आ गए हैं और यहीं पर बैठ रहे हैं और खाना खाएंगे यहीं पर। ऑर्डर दे दिया हमने, तो अभी खाना एक आपको दिखाते हैं जी। बाकी ठंडी ठंडी हवा है, साथ ही दरिया चल रहा है, आवाज़ आ रही है माशाल्लाह। तो बाकी फिर जब खाना आएगा वो आपको दिखाएंगे हम इंशाल्लाह। ये जी खाना वगैरह आ गया और फ्राइज़, बाकी वो देखें आप अभी टेस्ट करके फिर आपको बताते हैं कैसा है। रोटी देना जी, खाना आ गया अपना, तो टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसा है। सबसे पहले मैं अपना रोस्ट चिकन को टेस्ट करता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मा गर्म। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है, फ्राइज भी साथ साथ खाएंगे। 3 days later. उस दिन तो खाना खा के हम आके सो गए थे अपने होटल में, तो बाकी फिर सुबह सुबह हमें कॉल आई, एक एमरजेंसी हो गई थी जिसकी वजह से हमें फ़ौरन मुल्तान आना पड़ा जी। एक कज़न था वो जो कैंसर में मुबतला था, उसकी डेथ हो गई थी, तो फ़ौरन हम इसलिए वापस मुल्तान आ गए थे। तो उसके बाद जी इस सीरीज़ को करते हैं यही एंड। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे ये व्लॉग्स जो मैंने शूट किए थे आपके लिए नॉर्थन एरियाज़ में। इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह जाते रहेंगे नॉर्थन एरियाज़ में और आपको दिखाते रहेंगे पाकिस्तान की खूबसूरती। तो उम्मीद है जी आपको पसंद आएगा, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। वहाँ पे मैं अपनी पिक्स भेजता हूँ, वो आप देख लेना। शेयर करता हूँ आपसे पिक्स अपनी अच्छी अच्छी जो वहाँ मैंने शूट की हैं। तो न्यू व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।